बन पार कर्जत वन डे स्टे के लिए कल्याण से निकल रहे हैं। अभी 2 बज गए हैं। कितने बजे है सही? हाँ 2 बज गए, तो अभी निकलने वाले हैं कर्जत के लिए। 3 तास लगेंगे हमको और हम बाय। चलो फ्रेंड्स, सृष्टिवन फार्म इज 60 किलोमीटर फ्रॉम कल्याण। अगर आप वीकेंड यानी सैटरडे संडे अगर आप चूज़ करते जाने के लिए, तो इस रोड पे ट्रैफिक होता है तो आपको 2 से 2.25 घंटे लगेंगे। वही अगर आप वीकडेज में जाते हैं तो 1.5 घंटे में आप सृष्टिवन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप लोकल ट्रेन से कर्जत आए और कर्जत से आप रिक्शा करके 6 से 7 किलोमीटर है, मतलब आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे सृष्टिवन फार्म पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार से हम सृष्टिवन फार्म पहुंच गए हैं और आपको यहाँ पे जो दृश्य देखने को मिल रहा है, पूरा फार्म जैसा फीलिंग है और उन्होंने शेड ये लगाया हुआ है। उस शेड के अंदर आपको खाने पीने की व्यवस्था की है। एक यहाँ पे एक उनका पॉन्ड भी है। इस पॉन्ड में आपको फिशेस फिश भी देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। एक फार्म हाउस जैसा पूरा फील आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जब मैंने सृष्टिवन फार्म वालों से बात की कि भाई आप क्या पैकेज ऑफर कर रहे हो, तो उन्होंने हमें 2,000 रुपीज़ पर पर्सन ये पैकेज दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें वो हमें देने वाले हैं इवनिंग टी और डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच। जो डिनर में आपको नॉनवेज में चिकन ऑप्शन है, और अगर आपको मटन या फिश अगर बनाना है तो आपको इनको खरीद के लाके देना पड़ेगा, तो ये आपको बना के देंगे। ये जो पैकेज है दोस्तों निगोशिएबल है। यही अगर वीकडेज में आप जाते हैं तो यही पैकेज आपको ये 1400-1500 रुपीज़ पर पर्सन में भी आपको दे देंगे। पहुंचने के बाद इन्होंने चाय से हमारा स्वागत किया, चाय के साथ स्नैक्स भी दिए। चाय लेने के बाद मैंने मैडम को बता दिया था, मतलब जो वहाँ पे मैनेज करती है, ओनर है, उनको बता दिया कि हमें शाम को डिनर में चिकन लपेटा यानी सूखा चिकन और चिकन ग्रेवी भी देंगे। और उसी के साथ मेरे साथ मेरी बच्ची है, उनको तीखा नहीं चलता है, तो जो बॉइल्ड चिकन है वो भी देने के लिए वो एग्री हो गए थे। तो इस प्रकार उनको डायरेक्शंस देके हम निकल पड़े हैं स्विमिंग पूल के लिए। हम सभी फैमिली मेंबर्स चाय होने के बाद स्विमिंग पूल में गए और यहाँ पे स्विमिंग का आनंद उठाया। और इन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल में जो पानी है, यहाँ जो कुआं है इनके पीछे गार्डन में, वो कुएं का ये पानी है और इस पर कोई क्लोरीन वगैरह नहीं डाला है, तो इसलिए पानी जो है विदाउट क्लोरीन है। मित्रांनो, इथे टोटल 3 रूम आहेत। आम्हाला यांनी 2 रूम दिले, त्यातला हा एक रूम आहे। AC रूम आहे हा। हा है दूसरा रूम। यामध्ये या साइडला एक बेड आहे ज्यावर एक माणूस बसू शकतो। आणि इथे सिमेंटचा चौथरा आहे ज्याच्यावर त्यांनी हे टाकले गादीसारखं। तिथेही एक माणसाची सोय आहे। आणि इथे एक डबल बेड आहे ज्यावर 4 माणसं या रूममध्ये ठेवू शकतात। संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत जेवण तयार होतं।
आम्ही मुलांसाठी बॉइल्ड चिकन, त्यानंतर आम्हाला चिकन ग्रेव्ही, सुखा चिकन, तांदळाच्या भाकरी, इंद्रायणी भात, सलाड, अशा प्रकारे हे स्वादिष्ट जेवण तयार आहे. बरं आहे का? सवेरे 8 बजे तक नाश्ता रेडी था दोस्तों. उसमें उन्होंने उपमा बनाया था, बहुत ही टेस्टी था उपमा. उसके बाद मिसल पाव, जो महाराष्ट्र का फेमस आइटम है, वो भी उन्होंने बनाया. नाश्ता बहुत ही बढ़िया था दोस्तों. कशी आहे मिसळ? काय मिसळ? खूपच छान आहे, टेस्टी. कुल मिला के सृष्टिवन फार्म में दोस्तों 3 रूम है. तीनों रूम एसी है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोकेशन है, इसकी खासियत यह है कि इको स्टे है दोस्तों. ये मतलब यहाँ पे जब आओगे तो आपको फील एकदम देसी फील मिलेगा. यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पौधे पेड़ लगाए हुए हैं. अमरूद है, आम के सीजन में आपको आम मिलेगा, गर्मी के सीजन में फनस, जिसको आप जैकफ्रूट बोलते हैं, वो भी यहाँ पे मिलेगा. जो इन्होंने जो हमें फूड ऑफर किया है, इसके अलावा हमने उनको मटन ला के दिया था, वही वो बना रहे चूल्हे पे. वो मटन ला के दिया था और ये हमें बना के दे रहे हैं. मतलब इनकी तरफ से जो खाना है उसके अलावा हमने मटन खुद से बनवाया. मित्रांनो, चला आता आपण जरा 2 शब्द गप्पा मारूयात जे सृष्टिवन फार्मचे जे ओनर आहेत आणि जे चालक मालक आहेत संतोष घाडगे, ते आता त्यांच्या या फार्मबद्दल काहीतरी सांगतील. मी संतोष घाडगे. सृष्टिवन फार्म आमचा ॲग्रो टुरिझम टाईप आहे आणि कर्जत स्टेशनपासून आणि भिवपोली स्टेशनपासून साधारणतः 15 मिनिटाच्या अंतरावर आहे, 15 किलोमीटर आहे. आणि इथे आम्ही अतिशय घरगुती पद्धतीने, चांगल्या पद्धतीने, लोकांना परवडेल अशा पद्धतीने आम्ही आमचे सर्व पॅकेज आहे. सहसा आम्ही लोकांच्या इच्छा आकांक्षा टाळत नाही. आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी रेड्यूस करून कस्टमरला कसं समाधानकारक इकडे आम्हाला ट्रीटमेंट देता येईल अशा पद्धतीने आमचे प्रयत्न आहे. मटन, ग्रीन चिकन, अशा प्रकारे दोस्तों आमचा इथला ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स चांगला होता. तुम्हालाही जर शहरापासून लांब आणि जरा फार्मचं फील घ्यायचं असेल इकोस्टेचा, तर जरूर हा ऑप्शन तुमच्यासाठी चांगला ठरेल. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्यासाठी अजून नवीन व्हिडिओ लवकरात लवकर आणण्याचा मी प्रयत्न करेल. गुड बाय, नमस्कार.